शिवाय, शिवाय मुझे आपको कुछ बताना। हाँ बोलो। शिवाय, रायता फैल एक बहुत बड़ी। एक मिनट, पहले मैं पक्का कर लूँ ये शिवाय है या नहीं। क्या हुआ, बोलो ना। आपको कोड वर्ड बताइए। What? शिवाय, हमारा कोड जो हमने डिसाइड किया, पहले वो बोलिए, जल्दी बोलिए हमें। मुझे What is wrong with you, क्या कर रही हो तुम? मुझे पता है कितनी टेंशन हो रही है इस वक्त। हाँ, इस सब के बीच में तुम्हें कोड वर्ड खेल रहे हो। तुम्हें पता बाहर क्या हुआ? मैंने रवीर से कहा था वो डुप्लीकेट को अरेस्ट कर, लेकिन उसने नहीं किया। उसने लास्ट मिनट प्लान चेंज कर दिया। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि रणवीर ने प्लान क्यों चेंज किया, और इसी समय वो डुप्लीकेट जो खुलेआम घूम रहा है। संगीत में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और इस सब टेंशन के बीच में तुम मुझसे सवाल कर रही हो। सॉरी, पर मैं बस पता लगाना चाहती थी कि आपको कहीं दो रुपये चिपड़े नहीं है, पर आपको हमारे प्लान के बारे में पता है तो मुझे पता है आप शिवाई हैं। बताओ क्या पता। मुझे सौम्या का फोन है, उस डुप्लीकेट ने सौम्या को किडनैप कर लिया, और यही रणवीर और कामिनी उस फर्जी के साथ मिले हो। शायद इसलिए रणवीर ने उस डुप्लीकेट को अरेस्ट नहीं किया। शिवाय, हमें यह शादी रोकनी होगी, वरना जिंदगी खराब हो जाएगी प्रियंका की। मैं वही बोल रही हूँ जो सौम्या ने मुझे बताया। शिवाय, वो तीनों मिले हुए हैं, कामिनी, रणवीर, वो फर्जी सब, ये बहुत बड़ी साजिश है, हमें कुछ करना चाहिए। अनिका कहाँ है? शिवाय, हमारे पास वक्त बहुत कम है। संगीत से पहले हमें रणवीर और कामिनी की असलियत सबको बतानी है। रुस, अनिका नहीं बताऊंगा। आपने दरवाजा क्यों बंद किया? 100 करोड़ की खोली में है, सबको मेरे बारे में पता चले। तेरे को कुछ ज्यादा ही पता चल गया। तू भी ना, अजीब चैप्टर है। अरे ये अपने पति को नहीं पहचान से? नहीं जाने का, बिना परमिशन के नहीं जाने का। क्या भाई, जो बोलेगा वो करने का है। लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो? तेरे भेजे में बात नहीं घुसता है। वो मोटी है ना तुम लोगों की, हमारे पास है। तो इधर मिस्टेक की, उधर पे मोटी टपकी। वो तू देख, तू मेरी बात नहीं मानेगी ना, हो गई बात मान। सौम्या ने क्या बिगाड़ा तुम्हें? कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसीलिए अभी तक जिंदा है। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, उस मोटी को टपकाना पड़ेगा। समझे? क्या चाहते हो तुम? क्या बताओ, क्या क्या चाहते हो? और परेशान समझे? रणवीर और कामिनी की जो सच्चाई है ना, वो तू किसी को बताएगी नहीं। और यहां से जैसे ही जाएगी ना, तू सबके सामने ऐसा एक्टिंग करेगी कि माही शिवाय सिंह ऊपर आया है। समझे? समझे? ये क्या बात हुई? बहन की संगीत पे भाई नहीं होगा? ये सोच सोच कर तो मेरी भी उम्र माता हो रखी है मम्मी जी।
पर सिचुएशंस ही ऐसी है, क्या करें? आप फिक्र मत करो, शिवाय यहीं आसपास ही रहेगा। उसने कहा है जैसे ही संगीत ओवर्स होगा ना, रणवीर और वो मिलकर उस डुप्लीकेट का भांडा फोड़ देंगे, फिर सारा स्यापा ही खत्म। हेलो, लोग बुला रहे हैं उनसे मिलने। जी आंख वाले आइटम को ढूंढ रही है, ज्यादा शेरखानी की ना मेरे साथ, तो वो करेगा ना, तेरे को याद रहेगा। क्या देना बंद कर, चल मेरे साथ, तेरे को पता मैं क्या करेगा, नहीं तो मोटी है ना सारी को टुका देगा। देख इधर उधर काय को देख रही है, नीचे देख। हम लोग इस मूर्ति को देख सकते हैं, पर ये मूर्ति हमें नहीं देख सकते। अब अगर तू उस गंजी आंख वाले के 10 कदम भी पास गई, तो सबसे पहले ये स्टेज टूटेगा। जो भी लोग नाच ले रहेंगे ना इधर पे, सबके सब मरेंगे, और उसके बाद ये मूर्ति का टमाटर सास। देख ले अब तो, ये मूर्ति और यमराज जंगल के बीच में ना जितनी दूरी है ना, वो तेरे और गंजी आंख वाले की दूरी पे डिपेंड करी। अब जो तेरे को सही लगे तो वो कर। छोड़ देगा, एक बार मेरा काम हो जाए ना तो छोड़ देगा, सिर्फ अगर तूने मेरा बात माना तो।